Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we discuss about Born Hyper Cycle. This is the last topic of chapter number 7 thermochemistry and it is very important topic from entity test point of view and it is also a long question. बात की समय लगी बेटे? एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता रहा है. कैसे पूछा जाता रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा बेटे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है. बोर्न हाइपर साइकिल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द एनर्जी चेंज of a cyclic process is equal to zero. के एक cyclic process का जो energy change है total वो बेटा जी किसके equal है? Zero के equal है. मतलब क्या है कि अगर कोई reaction multiple steps में proceed करता हो और वो रिएक्शन बेटे क्या हो, एक साइकिल में वकू पजीर हो, तो हर स्टेप की एनर्जी को अगर हम सम अप कर लें तो वो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी. ये वही बात नहीं जो हमने हैसेज लॉ में पढ़ी है? तो इसका मतलब है कि बोर्न हाइपर साइकिल इट इज एप्लीकेशन ऑफ हैसेज लॉ. ये बेटा जी क्या है? ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हैसेज लॉ. ये हैसेज लॉ की एप्लीकेशन. बोर्न हाइपर साइकिल से हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स, उनकी लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. यानी कि अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज एप्लीकेशन या व्हाट आर यूजेस ऑफ बोर्न हाइपर साइकिल, तो बेटा जी हम क्या बताएंगे कि बोर्न हाइपर साइकिल से हम बाइनरी आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स. अब यहां पे बेटा जी दो चीजें हैं, एक लैटिस एनर्जी क्या है और सेकंड बेटे बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं. तो पहले हम देखते हैं बाइनरी का मतलब क्या होता है बेटे? दो. बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो. आयोनिक कंपाउंड यानी कि ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिनमें एक पॉजिटिव आयन हो और एक नेगेटिव आयन हो, आप उन्हें क्या कहते हैं? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास बेटा जी क्या है? सोडियम क्लोराइड. तो देखिए इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स के ही आयन्स हैं. बात की समझ लगी? इसी तरह बेटे पोटाशियम क्लोराइड. बात की समझ लगी? ये बेटा जी क्या है? ये बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स हैं. लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी बेटा जी क्या है? ये बड़ा अहम पॉइंट है कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी और लैटिस एनर्जी की थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. देखो बेटे याद रखना है कि हमारे पास सपोज करते हैं क्या है बेटे, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है. ये दोनों किस स्टेट में है? गैशियस स्टेट में है. ये किस स्टेट में बेटा जी? गैशियस स्टेट में है. ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बेटा जी क्या बनाते हैं? सॉलिड सोडियम क्लोराइड. ये बेटा जी क्या है? एक कंपाउंड है. तो याद रखिएगा जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड बने कहां से बने बेटे? गैशियस आयन्स से. त
तब जो एनर्जी रिलीज होगी आप उसे क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी, याद रहेगा। यानी कि इस केस में जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी, इसका साइन बेटा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी रिलीज एट स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। बात की समझ लगी, कि जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड बने अपने ही गैशियस आयंस के कॉम्बिनेशन से, तब जो बेटे हीट एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रिलीज होगी आप उसे क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। अब अगर ये इक्वेशन हम रिवर्स कर दें इस तरह, तो ये इक्वेशन भी लैटिस एनर्जी की है, कि जब आप क्या करें एक मोल आयोनिक कंपाउंड को क्या कर दें बेटे, गैशियस आयंस में डिसोसिएट कर दे, तब जो एनर्जी बेटा जी एब्जॉर्ब होगी आप उसे क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। बात की समझ लगी, जो वैल्यू इस तरफ होगी वही वैल्यू इस तरफ होगी, ओके हो गया। तो याद रखिए वो वैल्यू कितनी होगी बेटे, लैटिस एनर्जी की, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी की वैल्यू होती है 787 किलो जाउल पर मोल। बात की समझ लगी बेटे, 787 किलो जाउल पर मोल। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि आयंस से सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो फिर मुझे बताओ कि इस 787 का साइन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब क्या, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। और अगर बेटे मैं कहूं कि वन मोल आयोनिक कंपाउंड से आयंस बन रहे हैं, तब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। बात की समझ लगी ना बेटे। तो यहां पे आपने याद रखना है कि जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड बने अपने ही आयंस से, तब जो एनर्जी रिलीज होती है, या फिर जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड को डिसोसिएट किया जाए उसके गैशियस आयंस में, तब जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है आप उसे क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। कर लेंगे डेफिनेशन, मैं यहां पे वो लिख भी देता हूं कि लैटिस एनर्जी बेटे क्या है, कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस बेटा जी क्या होती हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 1 atm, सही हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंथैल्पी चेंज से मुराद क्या है बेटे, हीट एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब। एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस। या फिर साथ ही आप क्या कहते हैं कि वन मोल आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स गैशियस आयंस इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। बात की समझ लगी। अब आप क्या करेंगे, इसकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी साथ लिखेंगे। अगर आपको पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट इज लैटिस एनर्जी, तो बेटे लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन के साथ आप इसकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी लिखेंगे। ये कितनी इक्वेशन है, यहाँ पे दो इक्वेशन हैं। बात की समझ लगी, मैंने क्या किया है, एक इक्वेशन लिखी है। आप चाहे ये वाली इक्वेशन लिख दें, चाहे ये वाली इक्वेशन लिख दें, लेकिन जब आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, सही है। कैसे लिखेंगे इसको, ये देखो, ये सोडियम आयन गैशियस स्टेट में है, ये क्लोराइड आयन, ये कंबाइन होंगे तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड ये डिसोसिएट होगा किसमें बेटे, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो ऊपर वाले रिएक्शन के लिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू बेटे क्या होगी, -878 किलो जाउल पर मोल, और नीचे वाले रिएक्शन के लिए +877
787 किलो जाउल पर मोल। बात की समय लगी बेटे? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ओके हो गया, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। तो अब हमने ये दो पॉइंट सीख लिए कि लैटिस एनर्जी क्या है और बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक ही पॉजिटिव आयन होता है और एक ही नेगेटिव आयन होता है। बात की समय लगी? और लैटिस एनर्जी बेटे क्या है कि जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड बने आइंस से, या फिर बेटे एक मोल कंपाउंड एसोसिएट हो आइंस में, तब जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी आप उसे क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। बात की समय लग गई? अब बेटे देखें, कहते हैं कि सोडियम सॉलिड स्टेट में है और क्लोरीन गैसीय स्टेट में है, ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये बेटे क्या है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। बात की समय लगी? तो ये बेटे डिसोसिएट हो जाता है किसमें, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। आप इसको कर लें हाफ मोल, एक इक्वेशन ये बन जाती है, या फिर पहले ये कन्वर्ट हो बेटे किसमें, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। अब यहां पे देखें, जो पहले वाली इक्वेशन है इसमें बेटे क्या हो रहा है कि सोडियम और क्लोरीन जो हैं ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। किस स्टेट में है ये, गैसीय स्टेट में है। आप इसको कह दें कि ये क्या है, ये डेल्टा एच एक्स है। बेसिकली क्या है कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये मल्टीपल स्टेप्स हैं, वो हम सारे डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटे, जब एक मोल कंपाउंड बने कहां से, अपने ही एलिमेंट से, और एलिमेंट किस स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, तब जो एंथैल्पी चेंज होगी आप उसे क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन किसके लिए बेटे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए है। आपने पढ़ा था कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स एट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन जो है ये किसके लिए है बेटे, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है। और ये वाली इक्वेशन कि जब वन मोल आयोनिक कंपाउंड बने कहां से बेटा जी, अपने ही गैसियस आयंस से, तो ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी बेटा जी, लैटिस एनर्जी की होगी, अभी हमने देखा है। बात की समय लगी? तो इसका मतलब है जो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी डेल्टा एच एफ, वो बेसिकली क्या होगी बेटे, वो डेल्टा एच एक्स माइनस सॉरी प्लस डेल्टा एच एल के इक्वल होगी। ऐसे ही है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जमा कर लें तो ये बेटे क्या बन जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब यहां पे बेटे देखें कि बेसिकली क्या होता है कि ये वाला जो सारे का सारा रिएक्शन है ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है। वो मल्टीपल स्टेप्स क्या है, यहां पे देखें सबसे पहले कि हमारे पास क्या है बेटे, ये सोडियम एलिमेंट है और हाफ मोल हमारे पास क्या है बेटे, क्लोरीन गैस। ये आपस में रिएक्ट करके बेटा जी क्या बनाते हैं, वन मोल आयोनिक कंपाउंड। बेटे ये वाली इक्वेशन किस चीज के लिए है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। ये किसके लिए है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -411 किलो जाउल पर मोल। क्लियर हो गया? अब यहां पर पहले होगा क्या कि जो सोडियम है सॉलिड, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें बेटे, गैसियस सोडियम में। तो जब एक मोल गैसियस एटम बने कहां से बेटे, अपने ही एलिमेंट से, तो ये वाली इक्वेशन किस पर्पज के लिए होगी बेटा जी, एटोमाइजेशन के लिए। तो सोडियम की एटोमाइजेशन की वैल्यू बेटा जी क्या है, प्लस 108 किलो जाउल, ओके हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं कि इस गैसियस आयन को कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी गैसियस एटम को कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस आयन में, ठीक है। तो यहां पे देखें बेटे, आपने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी,
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस एटम टू मेक इट गैशियस कैट आयन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस ले आए तो आप उसको क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। कि जब बेटे एक मोल गैशियस आयन्स बने, कौन से पॉजिटिव आयन्स बने, कहां से बने, अपने ही गैशियस एटम से, तब जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी आप उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसका मतलब है यहां पे सोडियम की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है +496 किलो जाउल पर मोल। बात की समय लगी बेटे। उसके बाद यहां पे अगर देखें आप तो क्लोरीन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे गैशियस एटम में, ये 2-2 से कैंसिल हो गया, गैशियस एटम बन गया, ठीक है। तो क्लोरीन की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू है वो बेटा जी कितनी है, जरा बुक से देख के बताएं, +121 किलो जौल पर मोल है। अब क्या करेंगे कि जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो कौन गेन कर लेगा, क्लोरीन का एटम। तो क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा जी, क्लोराइड आयन में। तो एक मोल क्लोराइड आयन बना है। आपने पढ़ा था कि द एनर्जी रिलीज When an electron is added in gaseous isolated atom to make it uninegative ion is called as electron affinity। कि जब आप क्या करते हैं, ए किसी gaseous atom में electron add करके उसे uninegative ion बनाते हैं, तब जो energy release होती है आप उसे क्या बोलते हैं, उसे electron affinity बोलते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटे कितनी है, -349 किलो जाउल। याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की है। ये एंटी टेस्ट का पॉइंट है, याद रहेगा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की है। अब बेटा देखो ये सारे के सारे स्टेप क्या है, डेल्टा एच एक्स है। ये सारे के सारे स्टेप क्या है, डेल्टा एच एक्स है। अब ये देखो बेटे, ये जो दोनों सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, ये किस स्टेट में है बेटा जी, गैशियस स्टेट में है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे बेटे, ये वाला सॉलिड सोडियम क्लोराइड। ये वाली जो वैल्यू होगी ये बेटे क्या होगी, डेल्टा एच एल। ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्लियर है। यानी कि यही चीज बन रही है ना बेटे, ओके हो गया। तो यहां पे देखें कि इन सारी वैल्यूज को जमा कर लें, इसको जमा कर लें, वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा एच एफ के। तो यहां पे इस इक्वेशन में आप इन सब की वैल्यूज को पुट करें। देखो बेटे डेल्टा एच एफ जो है ये किसके बराबर है, अब डेल्टा एच एक्स की वैल्यू लिखो, पहले ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली फिर ये वाली, तो ये क्या आ गया बेटे, ब्रैकेट में लिख लो जी, डेल्टा एटमाइजेशन प्लस डेल्टा आयोनाइजेशन प्लस फिर एटमाइजेशन या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, और प्लस बेटे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, प्लस बेटे यहाँ पे क्या आ गया, लैटिस एनर्जी। तो इसकी वैल्यू बेटे क्या है, -411, ऐसे ही है ना। उसके बाद बेटा जी एटमाइजेशन सोडियम की कितनी है, 108 प्लस आयोनाइजेशन 496 प्लस एटमाइजेशन बेटे कितनी है, 121, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -349, और प्लस बेटे क्या आ गया, ये लैटिस एनर्जी। इस सारे को जरा सॉल्व करके बताए बेटा जी क्या आंसर आता है, इस सारे को सॉल्व करके क्या आंसर आता है, क्या आ जाएगा बेटे, जरा देख के बताओ, कैलकुलेशन करो, इन सब को बेटे ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, प्लस में या नेगेटिव में, प्लस में आता है। तो ये +376 और ये प्लस बेटा जी क्या है, लैटिस एनर्जी। अब ये प्लस वाली वैल्यू जरा क्या हो जाएगी, माइनस की, तो डेल्टा लैटिस किसके इक्वल आ गया, -411 -376 इज इक्वल टू -387 किलो जाउल पर मोल। तो ये देखे बेटे हमने क्या किया है,
बोन हाइबर साइकिल का सहारा लेकर सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी फाइंड कर ली है। बात की समझ लगी ना बेटे? तो यहाँ पे अगर देखें आप तो जो टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की वो क्या है बेटे? कांस्टेंट ही। क्लियर है बेटे? ओके हो गया कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड करेगा तो हर स्टेप की एंथैल्पी का सम बेटे किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई पॉइंट है तो वो पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बेटे क्या होगा? व्हाट इज लैटिस एनर्जी? क्लियर हो गया? थैंक यू।